हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ श्रीजा। आज की वीडियो में बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और आँखों के लिए ये जो ड्रिंक है बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, और जिन लोग ने वेट लॉस के लिए कोशिश करते रहते हैं तो उन लोग के लिए तो ये जूस बहुत ही अच्छा जूस है। तो इसके नाम है ABC जूस। अब चलते हैं वीडियो में, अब इसके बारे में जानते हैं और कुछ। तो इसके लिए मैंने बीट रूट, कैरेट और एप्पल को छिलका हटा के इस तरह से मैंने छोटा छोटा पीसेस कर दिए। तो ये एप्पल कैरेट को दोनों बराबर ले लीजिए और उसमें आधा करके, अगर एक कटोरी हम लोग कैरेट लिए, एक कटोरी एप्पल लिए, तो आधा कटोरी बीटरूट लेकर इस तरह से मिक्सी जार में डाल के, आप पसंद करते तो पहले ही पुदीना इसमें डालकर अच्छे से पीस लीजिए, थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो उसके बाद इस तरह से एक कपड़ा ले लीजिए सफ़ेद वाला, उसमें ये जो पीस दिए तो वो इसमें डाल दीजिए। डाल के अच्छे से इस तरह से जो जूस निकाल दीजिए। निकालने के बाद आपको जितना गाढ़ा चाहिए होता है तो उतना आप रख लीजिए, तो एक्स्ट्रा आप पानी चाहिए तो पानी थोड़ा ऐड कर लीजिए। तो इसको डायरेक्ट लेने के लिए कोशिश मत कीजिए। तो ABC का मतलब ये होता है फुल नेम, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बीटरूट और सी फॉर कैरेट। तो बच्चों तो ऐसे ही जूस देंगे तो बना कर लेते हैं, इस तरह से बना कर आप देंगे तो देख कर ही अट्रैक्ट हो जाएंगे और इसके बारे में और कुछ जानने के लिए कोशिश करेंगे। तो आप भी इसके बारे में बिल्कुल मना नहीं करेंगे, इसके बारे में जो ABC का फुल नाम बताकर आप भी इसको बच्चों को देकर पिला दीजिए। और इस तरह से मैंने जो पुदीना का पहले नहीं डाली थी, अब इस तरह से कूट के डाली थी, और उसके बाद मैंने हाँ थोड़ा 2 चम्मच हनी डाली थी, मतलब शहद। शहद तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसमें, आपकी स्वाद के अनुसार, आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने हाँ नींबू का रस भी डाली हूँ, और नींबू का रस, शहद, तो ये दो को आप अपना स्वाद का अनुसार आप डाल सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है इसके लिए। खाली इतना ही नहीं है, इसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छे करने के लिए और बच्चों को ग्रोथिंग के लिए और हेल्थ के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो ज़रूर इसको बनाकर अपना घर में सबको पिलाइए। इसमें थोड़ा सा आइस क्यूब्स डालकर भी सर्व कर सकते हैं, या अपने फ्रिज में रख कर थोड़ा सा ठंडा करके उसके बाद सर्व कर सकते हैं। समर कोल्ड ड्रिंक तरह ये बहुत यूज़फुल होता है, बिल्कुल ये ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग इसमें जो चीज़ डाले हैं किसी को पता भी नहीं चलेगा, उतना टेस्टी होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, अपना दोस्त परिवार को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। यदि हमारा चैनल को पहले बार देखते हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो अब तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।